ये सुंदर सी कथा है ध्रुव जी की। ध्रुव जी छोटी सी आयु है और निकल पड़े भगवान का चिंतन करने के। रास्ते में गुरु जी ने क्या दे दिया? मंत्र। गुरु जी ने जो मंत्र दिया उसका जाप किया, ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति हो गई। गुरु वचनों पर जो भरोसा करेगा, ध्रुव ने भरोसा किया, प्रहलाद ने भरोसा किया, मीराबाई ने, गुरु मीराबाई क्या बोली, चलो मेरे संग गाओ। मीराबाई गा रही है, वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुरु। मेरे गुरु ने क्या दी है? वस्तु अनमोल दी है। करी कृपा अपनायो, करी कृपा मतलब उन्होंने कृपा करके मुझे अपनाया, और जब अपनाया तो पायो जी मैंने पा लिया। कौन सा धन पायो जी? मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई गा रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीरा ने क्या बोला कि मुझे किसने अपना लिया? मेरे गुरु ने अपना लिया। और गुरु ने अपना कर क्या दे दिया? कौन सा धन दे दिया? कौन सा धन दिया? राम नाम का धन दे दिया। मीराबाई क्या जपती हैं? जोर से मीराबाई क्या जपती हैं? क्या जपती हैं? मीराबाई जपती हैं गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिर। पर मीरा क्या बोलती है? पायो जी मैंने राम रतन, क्योंकि मीरा की नजर में जो परंपरागत गुरु से जुड़ा होगा वो व्यक्ति राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं मानेगा। इसलिए मीराबाई ने बोला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्योंकि मीरा की दृष्टि में कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं। तो गुरु के बिना मीरा को ज्ञान नहीं, इसलिए गुरु। ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने की आयु और 5 वर्ष की आयु में 6 महीने तप किया, और 5 महीने तप करके 6ठा महीना लगते ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर ध्रुव जी से कहा, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु क्या मांगे? भगवान ने कहा, कुछ तो मांगो। अपने शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। भगवान जब कृपा करते हैं तो व्यक्ति पढ़ लिख करके भी लोग इतना ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते जब भगवान की कृपा। देखो, ज्ञान पढ़ना लिखना तो ठीक है, चाहिए पढ़ना लिखना, पर ज्ञान पढ़ने लिखने से ज्यादा गुरु कृपा से प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से। लिखा मूकं करोति वाचालम् पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। मूकम करोति वाचालम, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लग जाता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। ये किसकी कृपा? मैं बोल रहा हूं, ये मेरा बल नहीं, ये भगवान बुला रहे हैं इस वाणी से, तो उनका बल है। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया, कृतार्थ किया। उन्होंने 36,000 वर्षों के लिए ध्रुव जी राजा बने। अंत में उनके भाई को यक्षों ने मारा, फिर उन्होंने मारा यक्षों को,
मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति दी, मां को लेकर भगवत धाम ध्रुव जी चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं।